अरे कह दो जो तुम हल्के से कुछ तो मीठी सी धुन कोई लगे और फूल भी कई खिल से गए आवाज तेरी सुन के हाँ वक्त के कांटे से आसमानों तक मांगी है बस दुआ तू ही जमीन मेरी तू आसमां मेरा बच्चा तू मेरा खुदा तू जैसे बारिशों में मिट्टी की खुशबू तू मेरे दिल की अधूरी आरज़ू Thank you so much, Nitin. Thank you so much, everyone, for joining in. Welcome to Indie Nations by Raposo. So good to have you all here. Thank you so much, Nitin. Sangam. So, Indie Nations ka ek, ye Raposo ka ek bahut fresh start hai and a beautiful take on letting these indie artists grow. And I would really like to thank Raposo. Thank you so much for creating this amazing, amazing show. और ये इंडी नेशंस जो है ना ये यही शो है यहाँ पे दुनिया भर से जो बेस्ट इंडी आर्टिस्ट हैं वो हम कोशिश करते हैं कि हमारा म्यूज़िक आप तक पहुँचे एंड आप सुंदर ऑडियंस उसको सुन सको शेयर कर सको और लोगों तक पहुँचा सको सो जस्ट लेट द फैमिली ग्रो मज़ा आएगा है ना और लोगों को बताइए कि यार ये शो है और उन्हें बोलिए कि यहाँ पे आइए ऑल राइट सो हाउ मेनी ऑफ यू लिसन टू इंडी म्यूज़िक मुझे प्लीज़ बताइए थैंक यू देवा थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग How many of you, you know, like to listen to songs which are not, you know, not Bollywood based, they're more individual se ek jo gaata hai na, that's what indie music is, apan jab indie karte rehte hain, that's what it means a music that is created by one individual, uski essence hai. That's good Priya, that's good, really very good. So that's what we indie artists do, hum log apne gaane jo hain, wo khud likhte hain, khud compose karte hain, aur... पहुंचाने की कोशिश करते हैं मैं बढ़िया हूं नवनीत आप कैसे हो वॉइस इज वेरी लो इज इट ओके आई विल जस्ट ट्राई एंड इंक्रीज इज इट बेटर नाउ ओके बहुत ही नेचुरल होते हैं इंडी सॉन्ग्स यस बिल्कुल प्रिया एंड यही इनकी एक बहुत खास बात है ना कि जो चीज़ दिल से डायरेक्टली निकलती है हम इंडी आर्टिस्ट से वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं ऑलराइट सुपर्ब सो लेट मी जस्ट सो ये जो अगला गाना है जो मैं परफॉर्म करने वाला हूँ हम सब इस कोविड के दौर से गुजरे हैं और हम सब ने बहुत लोगों को खोया है तो ये एक छोटी सी बात बोल जाते थे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जब कोई गुजर जाता है तो वो एक तारा बन जाता है और ये गाना वही है कि अब वो जो तारे हैं वो रातों में चमकते हैं और आपसे बात करने आते हैं तो वो अब भी तुम्हारे साथ हैं तुम ये मत समझो कि वो गुजर गए वो अब भी तुम्हारे साथ है सॉन्ग्स नेम इज तारा हियर गोस
तुम्हारी सब भूल बना करके रख ली है पन्नों में कहीं। भूल से फिर जब मैं खोलूंगा किताबें तो महकेगा तू हर कहीं। अब खामोशियों से मैं करता हूँ बातें और अब सवेरों से लगे प्यारी है रातें, क्योंकि बन के एक तारा तुम जब आते हो मेरे आसमानों में, अब करते इशारों में बातें सभी तो दिल को लगता यही। कभी टिमटिमा के हंसना तेरा, कभी रूठ के टूट जाना तेरा, वो शर्मा के छुपना तेरा बादलों में, तो क्यों ना सवेरों से लगे प्यारी ये रातें। थैंक यू सो मच गाइज, या दैट वॉज तारा फ्रॉम माई साइड, आई होप यू गाइज एंजॉयड, थैंक यू सो मच नवनीत संगम सभी को, एंड ऑल राइट सो थैंक यू सो मच, ऑल राइट लेट्स हैव अ पोल, ऑल राइट सो हियर इज अ पोल फॉर यू गाइज, दिस इज अ वेरी इट्स अ सॉन्ग दैट इन रिसेंट टाइम्स हैज बिकम वायरल एंड आई एम वेरी श्योर सबने ये गाना सुना होगा, तो ऑफकोर्स सो या सो बहुत बढ़िया सो आई हैवंट लेफ्ट यू विद मच चॉइस, मतलब सुनना तो आपको पड़ेगा ही, बट आई एम सीइंग पीपल आर सुपर्ब, बहुत बढ़िया है, एंड दिस इज वन ऑफ द सॉन्ग्स दैट आई हैव ऑल्सो यू नो आई रियली लाइक दिस सॉन्ग, इट हैज सच अ नाइस वाइब, चांद वालिया इज सच अ नाइस वाइब, तो क्या आप सुनना पसंद करोगे ये गाना? ऑलराइट सुपरमैन, सो सभी ने बोला यस बिकॉज आई डिडंट लीव एन ऑप्शन, बट देर इज एन इंटरेस्टिंग सरप्राइज फॉर यू गाइज, एवरीबडी नोज दैट यू नो दिस सॉन्ग हैज क्रिएटेड इट्स बिकम अ वायरल सेंसेशन, एंड वॉट बेटर दैट इफ यू लिसन टू दिस सॉन्ग फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, यानी कि जिस बंदे ने ये गाना एक्चुअली बनाया है, वी हैव दैट गाय ऑन आवर शो, यस गाइज दैट इज राइट, वी हैव आदित्य सिरसा विद अस, विल बी ज्वाइनिंग in just a minute, and that was a surprise guys, Chand Palia, Aditya Sirsa, hey, hello, oh, how are you Aditya? I'm good, main aapka tara sun raha tha, bahut pyara gana yaar, bahut acha gaya, shukriya, thank you so much, and I'm glad, I'm so happy to have you on the show yaar, my pleasure, sorry, I said pleasure is all mine, so how's life going? बड़ा मजा आ रहा है, अच्छी जा रही है लाइफ, एंड अच्छा लग रहा है कि गाने अप्रिशिएट हो रहे हैं बिल्कुल एंड यू नो चांद बालियां मतलब क्या गाना है, एंड यू नो बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद द कॉन्वर्सेशन आई वुड जस्ट लाइक इफ यू कैन यू नो जस्ट सिंग आउट द सॉन्ग, सारी पब्लिक आपका वेट कर रही थी बहुत टाइम से, सो इफ यू कैन जस्ट सिंग अ फ्यू लाइंस एंड देन देखूं मैं तुझे या देखूं कुदरत के नजारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा, माना तेरी सूरत की है चांदी 100% बिल्लो, मेरे दिल का सोना भी खरा, ये तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां, ये तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां, सोचने का मौका
इतना दिया है, मैं तो तेरे पीछे हो लिया, मैं तो तेरे पीछे हो लिया, मैं तो तेरे पीछे। थैंक यू। Wow, man, amazing. And this is the first time I've also heard it live. And it's so good, yaar. Aap bahut hi sweet voice, bahut hi sweet voice. And usse behtar gana, maza aa gaya. My God. So, Aditya, where are you from? Aap kahan se hain? I'm currently based in Chandigarh. Arre wow. That's nice. Yeah. That's nice. And so, songwriting, aap, matlab, you've been doing this since when? Matlab, मेरे को बहुत टाइम हो गया यार, इट्स बीन मोर देन 10 years सिंस आई हैव बीन इनटू म्यूजिक, या बट आई हैव बीन डूइंग सिंगल्स ओनली सिंस 2017, सो अराउंड दैट टाइम, या दैट्स एंड वाज देयर अ स्टोरी बिफोर दिस आल्सो, बिकॉज़ हर एक की होती है ना कि यू नो सॉन्ग राइटिंग में जाने से पहले भी एक होते हैं हम कुछ। सो आई एम बेसिकली अ डॉक्टर, आई एम अ पैथोलॉजिस्ट एंड आई कम फ्रॉम अ डॉक्टर फैमिली, तो हाँ, बट मेरा पैशन जो है वो म्यूजिक में था काफी टाइम से एंड आई वांटेड टू परस्यू इट, तो आई कैन टोटली रिलेट बिकॉज़ आई एम आल्सो एन आर्किटेक्ट एंड आई हैव शिफ्टेड टू दिस, सो आई कैन टोटली रिलेट, बट ब्यूटीफुल मैन। बट चांद बालियां मैन, आई मीन हाउ वाज इट, वाज इट लाइक कि जस्ट आप एक दिन उठे एंड यू रियलाइज्ड कि यार ओ शिट दिस सॉन्ग इज जस्ट बिकम वायरल, और हाउ वाज द एंटायर थिंग? हाँ, सो थोड़ा सा ग्रेजुअल था मेरे लिए, तो लाइक एक बार वो रील्स बननी स्टार्ट हुई थी इस पे अर्ली दिस ईयर एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग मैसेजेस कि तेरा गाना हर जगह सुन रहा है, तो आई वाज लाइक कि अच्छा हो शायद थोड़ा बहुत रील वील बन रही होंगी, एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स फ्रॉम द लेबल्स, तो फिर आई मेरे को वो भी लगा कि प्रैंक कॉल्स ना हो, तो आई जस्ट मेड श्योर कि हाँ वो ठीक था एंड फाइनली फिर आई रियलाइज कि हाँ गाना वायरल टाइप हो गया है। चांद बालियां अभी सुना है मैंने उसको 2.5 साल पहले जब वो रिलीज हुआ था, बिकॉज आई हैव नॉट ओनली दो सॉन्ग्स, यू हैव रिलीज सो मेनी अदर सॉन्ग्स आफ्टर दैट एंड बिफोर दैट ऑल्सो, सो आई हैव बीन फॉलोइंग, इनफैक्ट वन ऑफ माई फ्रेंड्स यू नो ही डज म्यूजिकथॉन इन बीर हिमाचल, ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू योर सॉन्ग्स एंड गौरव, यस सो हम उस दिन बात ही कर रहे थे आपके बारे में, बात उठ के आई एंड ही सेड यार 2.5 साल बाद एंड ही वाज सो हैप्पी, ही सेड यार ये देख वो वाला गाना हम सुनते थे एंड वी वर सो हैप्पी, सो जेन्युइनली, सो आदित्य आई नो यू हैव रिटन अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स, एनी अदर सॉन्ग दैट यू लाइक यू नो फ्रॉम योर कलेक्शन? I like Yara Tu, then Mokachino, then Lajpat Nagar to Meena Bazaar. So हैं मेरे कुछ कुछ गाने जो मैं अपने लाइव शोज में भी परफॉर्म करता रहता हूँ। क्या बात कुछ आप हमारे इस लाइव ऑडियंस के लिए परफॉर्म करना चाहेंगे? एनी सॉन्ग? आई विल सिंग मोकाचिनो। तो ये गाना मैंने एक डेट पे लिखा था, वो घूरे जब जोक मैं सुनाऊं वो हंसती नहीं, देखे वो जैसे मार देगी मुझको मैं डरता नहीं, वो पीए मोकाचिनो मैं पीऊं ठंडा पानी, सुना आ गया मैं उसे पूरी जिंदगानी, सब सुन के पूछे कुछ कहा क्या तुमने मैं बोला कुछ नहीं, वो थोड़ा थोड़ा साथ है जो मेरे जमीन पे मैं नहीं। Oh, beautiful man, beautiful, जमीन पे मैं नहीं, I think all the audience will be जमीन पे नहीं, that's super super, such a क्या बोलते हैं ना सर, काफी सिंगर्स होते हैं जो बहुत इजीली एक चीज़ को कन्वे कर देते हैं एंड दैट्स व्हाट आई फेल्ट, मैं सुन रहा था बहुत अच्छा है ये जो डेली की भाषा होती है ना हम लोगों की बात करने वाली, उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत इजीली रिलेट हो जाती हैं, बहुत ब्यूटीफुल मैन, ब्यूटीफुल। थैंक यू। सो आदित्य, व्हाट हैज़ लाइफ बीन, यू नो अब
वो होता है ना कि एक बार हम घर पे बैठे हम अपने लिए बना रहे हैं गाना बना रहे हैं एंड सडनली यू रियलाइज ओ माय गॉड आई नाउ पीपल नो मी एंड थिंग्स हैव चेंज्ड. सो व्हाट डू यू थिंक, मतलब हाउ हैज लाइफ चेंज्ड फॉर यू आफ्टर आफ्टर दैट सेंसेशन, आफ्टर दैट वायरल थिंग? सो लाइफ हैज चेंज्ड क्वाइट अ लॉट. मतलब अब मैं म्यूजिक को ज्यादा टाइम दे रहा हूँ एंड आई हैव स्टार्टेड ट्रैवलिंग बिकॉज ऑफ म्यूजिक एंड यू नो लाइव शोज एंड ऑल. अर्लियर आई वाज नॉट डूइंग लाइव शोज, तो अब वो भी स्टार्ट हो गया है. एंड थोड़ा एक ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इनकरेजिंग फॉर एनी आर्टिस्ट टू नो कि जिस चीज़ में वो काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहा है, इट हैज़ बीन नॉट फ्यूटाइल नहीं है वो, इट इज़ नॉट गॉन टू वेस्ट, लाइक इट इज़ देयर. तो येस, इट इज़ इनकरेजिंग एंड इट हेल्प्स क्रिएट मोर म्यूजिक. As you said, you weren't doing live shows because मुझे याद है गौरव had said यार मैंने उसको बोला तो है लेकिन he said he's practicing. he has a clinic there, so I remember that. But that's good. मतलब good to have good songwriters out there in the open who doing live shows. क्योंकि बहुत सारे लोग हैं actually अभी भी जो live shows ही attend करते हैं. मतलब मेरे ऐसे बहुत दोस्त हैं बोलते हैं यार तू live attend करेगा या live कोई कर रहा होगा ना मैं वहाँ आ जाऊँगा यार, मैं Spotify या इन सब चीज़ों पर नहीं सुन पाता हूँ. So it's even more better. Yes. All right. So coming to the main thing, Aditya, your latest release, that is Right Wali Payal. And yes. Congratulations for the release. And it's already crossed 2 million. Superb. Thank you so much. इस गाने की story बताएं Aditya. I really want to know what is the story behind this song, man. So it has a very funny story. Like I was out on a vacation with my wife in Shimla. Okay. And early morning she lost her pile. तो वो कहती कि मेरी पायल मिल नहीं रही है. तो मैंने कहा अच्छा, तो बाई चांस एक वो लाइन मेरे दिमाग में आ गई कि राइट वाली पायल गुम गई. तो आई टोल्ड हर कि भैया मुझे आधा घंटा दो, मुझे कुछ आइडिया आ रहा है. तो शी वॉज लाइक ओके फाइन, तुम लिरिक्स लिखो. और ऐसा कुछ हुआ, देन शी फाउंड हर पायल एंड आई फाउंड द लिरिक्स. सो इट एंडेड वेल. My God, beautiful man. ये बहुत सही था यार. मतलब true story हो गई ये तो, बहुत ही अच्छा है. बहुत सही. So do the honors, man. I think everybody wants to hear. This is basically a duet, and the female part is sung by Saivariya. So I will be singing her part also. Abhi. Superb. राइट वाली पायल गुम गई, लेफ्ट वाली सिंगल हो गई. राइट वाली पायल गुम गई, लेफ्ट वाली सिंगल हो गई. बैठा हूँ नुक्कड़ वाली कॉफी की दुकान पे, आजा हम ढूंढेंगे यही. लोफरों सी बातें हैं तेरी, होता नहीं मुझको तो यकीन. लोफरों सी बातें हैं तेरी, कैसे हो जाए फिर यकीन. दिल मेरा खाली सच्ची, फोन मेरा फुल है, 16 GB फोटो है तेरी. This is true, man. This is true. I think it was bahut badhiya. And one of the audience member is Aditya has said ki tab to wife ko aapko zindagi bhar yaad dilayega ye song. Bahut sahi baat hai. So what's her name? Can I ask what's her name? Madhvi. So did Madhvi, unka kya reaction tha after the song got released? I mean, वो यार वो पागल ही समझती है मुझे, तो शी इज लाइक हाँ ठीक है, हो गया. ओके दैट्स नाइस. बट यार ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस सॉन्ग एंड आई एम प्रीटी श्योर इट्स गोना बी ऑसम एज ऑलवेज. बहुत बढ़िया. एंड आई आल्सो यू नो रियलाइज लॉट ऑफ सॉन्ग्स सॉन्ग ऑफ योर्स हैज दिस वाइब, हैज दिस, ये जो बड़े क्वर्की से टॉपिक्स मैं देखता हूँ उन चीज़ों को. But one of the songs that I just recently listened, that's on your YouTube channel, was Man Samandar, and I really liked it. I mean, genuinely, मुझे बहुत अच्छी vibe लगी उस गाने का. But what is your favorite song? Your favorite songs amongst your collection? So I put out a song when I really like it. तो वैसा है. But there are songs जिनमें मुझे
लिरिक्स अपने ज़्यादा पसंद हैं, कुछ गानों में अपनी प्रोग्रामिंग ज़्यादा पसंद है, कुछ में सिंगिंग. तो या सो मन समंदर का मुझे अपनी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी लगती है, लाइक द वे आई हैव डन द सॉन्ग इन लाइक प्रोडक्शन वाइज. एंड मोकाचिनो के मुझे लिरिक्स बहुत अच्छे लगते हैं. एंड देर इज अनदर सॉन्ग कॉल्ड लाजपत नगर टू मीना बाजार एंड कॉलेज की सड़क, तो इनके लिरिक्स भी मुझे काफ़ी सही लगते हैं. Any of the songs you want to perform for the audience? Okay, I'll sing College Ki Sadak. Perfect, perfect. Sounds very nice. आवारा कहीं का ये कैसा तरीका है अपने दीवाने से पेशाने का. महीना मई का है बिन तेरे फीका, जा ले ले मजा तू ही तड़पाने का. मैं और मेरी यमहा खड़े तेरे इंतजार में, तू गुजरी करके हा हा, ये दिल टूटा तेरे की सड़क पे ये दिल रह गया. कॉलेज की सड़कों पे ये दिल रह गया. बहुत सही यार. मतलब वो अच्छा, आप कॉलेज की सड़क आप देखते हो ना, तो एक बार के लिए ऐसा लगता है कि कहीं है वो कॉलेज सॉन्ग तो नहीं है, बट देन इट टर्न्स आउट टू बी अ लव स्टोरी एंड इट्स इवन मोर बेटर. बहुत सही. तब आदित्य, योर लिरिक्स राइटिंग स्टाइल, आई जस्ट रियलाइज अभी मैं आपके गाने सुन रहा था, कुछ गाने आर रियली लाइक क्या कहते हैं, मोर लिरिक्स बेस्ड एंड कुछ आपके धुन बेस्ड हैं. वेयर डू यू थिंक योर लेटेस्ट रिलीज फॉल्स इन दैट? वेयर डू यू फील राइट वाली पाइल के बारे में? सो आई थिंक इट्स अ लिरिकली मैंने एक्सपेरिमेंट ऐसे किया, इट इज मोर कॉन्वर्सेशनल एंड इट्स अ ड्यूएट. सो आई हैव डन ओनली वन ड्यूएट बिफोर दिस, दैट्स कलैया, एंड दैट वाज अ इन अ सेमी क्लासिकल सॉर्ट ऑफ अ जोन. तो ये वाला इट्स अ पॉप सॉन्ग विद द इन अ ड्यूएट एंड द लिरिक्स आर वेरी कॉन्वर्सेशनल, सो मेरे को बहुत रिलेटेबल लग रहा था लिरिकली ये गाना. सही बात. एंड म्यूजिकली मैंने आई हैव एक्सप्लोर्ड द चांद बालियां वाला जोन फर्दर विद एडिंग फ्यू मोर इंस्ट्रूमेंट्स एंड यू नो बीट्स टू द जोन. सो यस. सो ये आप द एंटायर प्रोडक्शन एवरीथिंग यू डू इट ऑन योर ओन? मतलब हाँ, मोस्टली आई डू इट ऑन माई ओन. कई बार मैं मोकाचिनो में जो गिटार्स हैं दैट वॉज दे वर डन बाय माई लाइक अनदर म्यूजिशियन कॉल्ड हैरी एंड देन कहोन वॉज प्लेड बाय भूमित. So I'm open to collaborations. That is, मतलब जब मुझे लगता है कि नहीं हो पा रहा है, then I call in musicians. Yeah. But that's really nice. मतलब because I know people who you know are stuck when production comes. So yes. I've seen a lot of YouTube पे जब मैं पढ़ता हूँ description, तो मैं देखता हूँ कि you have written, composed, sung and produced the song. Yeah. And that is commendable, man. Not everybody can do it. But it's you know, it's not easy producing. I mean, you get a lot of mind blocks. I mean, मेरे बहुत सारे गाने पड़े हैं अभी रुके हुए, वो हो नहीं रहे हैं आगे. It happens. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. And how much time did you know write वाली pile take to get out? मतलब ये गाना आपके पास पहले से ही रखा था? When did this happen? नहीं तो लिरिक्स वाला आइडिया तो था मेरे पास सिंस दैट वेकेशन, एंड मैंने फिर आके उसको लाइक आई कंप्लीटेड द स्ट्रक्चर एंड जो मैंने कंपोजिशन है पूरा वो किया, एंड देन आई थिंक 7 to 10 days में ये हो गया था प्रोडक्शन. एंड अभी रिसेंटली वी रिकॉर्डेड द फीमेल वोकल्स. तो ओके ओके, सो फीमेल वोकल्स वर एडेड लेटर ऑन? लेटर. तो मैंने डमी मैंने गा दिए थे वो, बट वी एडेड द फीमेल वोकल्स. That gives it a really nice touch. मैं सभी ऑडियंस को बता दूं, यहाँ जितने लोग जुड़े हुए हैं, 9,000 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं, कि प्लीज़ प्लीज़ जाके इस गाने को सुनिए. इट्स देयर और सोनी के यूट्यूब चैनल पे इट्स आउट देयर. ब्यूटिफुल वीडियो. प्लीज़ गो कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड आदित्य को फॉलो करिए. इट्स ब्यूटिफुल म्यूजिक मैन, रियली बहुत सही. सो आदित्य, देर आर सम क्वेश्चन दैट वी टुक फ्रॉम द ऑडियंस, है ना? And
which is, you know, which original song is like your favorite, matlab amongst all your songs, which is your favorite one? If you had to choose just one. Mere apne gaanon mein se. Bilkul. That's a difficult one to answer, actually. I know. I really can't answer that. Matlab, I have like at least three, four songs to hain. So, पूछ रहा है कि आदित्य भाई ने ये नहीं बताया कि पायल मिली या नहीं उसके लिए प्लीज वॉच द वीडियो एंड बिल्कुल आपको इसका आंसर मिल जाएगा आदित्य कि ये पायल मिली कि नहीं बट सो 3-4 सॉन्ग्स आप 3-4 बता दीजिए बट चांद वाली शुड नॉट बी वन हाँ तो इसके अलावा मैं बताता हूँ एक तो मोकाचिनो है एक मन समंदर है और एक आई थिंक राइट वाली पायल भी है दैट्स नाइस ब्यूटीफुल नो आई एम प्रीटी श्योर दिस सॉन्ग इज गोइंग टू डू ग्रेट इट हैज दैट नाइस वाइब मैन एंड बहुत हैप्पी सॉन्ग मतलब एट द सेम टाइम इट्स अ हैप्पी संडे वाइब बेसिकली एग्जैक्टली चिल वाइब एंड कमिंग टू द चिल वाइब यू नो समबडी एल्स आल्सो आस्क्ड यू नो व्हाई डू मोस्ट ऑफ योर वीडियोस हैव दिस चिल कैफे वाइब मतलब इज इट समथिंग दैट यू लाइक मेरे को कैफे में बैठना खुद बहुत पसंद है एंड मेरे को बहुत आइडियाज आते हैं मैं जब कॉफी पीता हूँ कैफे में बैठ के तो ऐसा आई थिंक हो सकता है बढ़िया सो बहुत सही ऑलराइट सो लाइक यू स्टे इन चंडीगढ़ राइट हैव यू एवर स्टेड इन सम अदर प्लेस कभी कोई पहाड़ पे हो आप कभी ऐसे कहीं पे रहे हो आप तो मैं वैसे लाइक माय होम टाउन इज सिरसा हरियाणा एंड मैं कई जगह रहा हूँ यार मैं मतलब अभी तक मैं बॉम्बे भी रहा हूँ मैं दिल्ली भी रहा हूँ अभी मैं एक्चुअली चंडीगढ़ में आई हैव मूव्ड अबाउट अ ईयर बैक एंड यहाँ से पहाड़ बहुत पास हैं लाइक कसौली इज़ वेरी क्लोज सो आई थिंक आप हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स में पहाड़ों में पहुँच जाते हो तो ऐसे भी कोई गाने थे जो आपने कहा कि यार चलो पहाड़ों पर जाके लिखता हूँ नहीं यार वो करना है मुझे आई नीड टू टेक अ कपल ऑफ वीक्स ऑफ एंड गो टू अ पहाड़ और वहीं बैठ के पूरी एल्बम निकाल लेंगे बिल्कुल मतलब आई नो व्हाट इट डज बिकॉज़ मेरे साथ हो चुका है मैं गया हूं और होता है यार एक बहुत अलग सी वाइब क्रिएट होती है बट दैट्स ब्यूटीफुल सो डू यू वांट टू सिंग एनी अदर सॉन्ग दैट यू रियली वांट द ऑडियंस टू लिसन टू तो प्लीज गो अहेड वी आर वेटिंग टू लिसन टू यू कैल सिंह लाजपत नगर टू मीना बाजार निकलिया फौजा अज शॉपिंग नू चढ़िया है दिन अज कमा आना नहीं पसंद कुछ पहला दसता मैं माल सारा जाना है बेकार कैसे मिलेगी कुर्ती मैचिंग कलर में इसको ना मिलता है रुमाल रेट हिला के लाजपत नगर का मैडम चली मीना बाजार सेल लगी है देख के इसको काला सा जादू है ये People are saying you're so adorable. I think all your lyrics are so adorable. They're so nice and so relatable. And log sunenge please ja ke inka suniye yaar bahut maza aayega. So Aditya, tell me man, is there something in your mind when you create a song, hai na? To kuch songs hote hain jo hum songwriters apne liye banate hain. Kuch hota hai jo hum audience ko judge karte hain aur dekhte hain ki yaar ye aisa kuch hoga to shayad ye viral ho sakta hai. Is that something आपको लगता है इसमें वो मसाला है जो यू नो इट कैन ब्लास्ट ऑफ समथिंग
मसाला नहीं, आई मीन आई ट्राई टू क्रिएट समथिंग दैट इज़ फन, दैट इज़ हैप्पी एंड वेरी यू नो रिलैक्सिंग वाइब, सो पीपल कैन लिसन टू इट एंड बिकॉज पीपल आर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आउट, लाइक दे आर, चाहे कोई भी काम कर रहे हो दे आर स्ट्रेस्ड आउट, जो भी जॉब हो उनका, सो आई वॉन्ट देम टू बी अ लिटिल चिल व्हेन दे लिसन टू म्यूजिक एंड यू नो बी अ लिटिल रिलैक्स्ड. तो मेरा वो इंटेंशन रहता है बिहाइंड माई म्यूजिक एंड सो We can hear that in your music and thank you. All right, superb. So all you guys, please जो भी indie music को follow करते हैं, please जाके इनका गाना सुनिए, Right Pali Payal. It's a beautiful song. I've already seen the video. It's beautiful. It has as Aditya said, it has this very happy chill vibe. And if you just want to relax and be happy at your home, listen to the song and comment. एंड आदित्य अब एक बार और हो जाए यार राइट वाली पायल, मतलब सभी के लिए सारे एफ में गा रहा हूं आज मैं. दैट वाज जस्ट फॉर यू नॉट फॉर द ऑडियंस. राइट वाली पायल गुम गई, लेफ्ट वाली सिंगल हो गई. राइट वाली पायल गुम गई, लेफ्ट वाली सिंगल हो गई. बैठा हूँ नुक्कड़ वाली कॉफी की दुकान पे, आजा हम ढूंढेंगे यहीं. लोफ रोजी बातें हैं तेरी, होता नहीं मुझको तो यकीन. दो फिरों सी बातें हैं तेरी, कैसे हो जाए फिर यकीन. दिल मेरा खाली सच्ची, फोन मेरा फुल है, 16 GB फोटो है तेरी. बहुत बढ़िया देते हैं. एक्चुअल में डज माधवी से कि ओ माय गॉड योर फोन इज लाइक फुल ऑफ माय फोटोग्राफ्स. डज दैट हैपन? उसी की है, उसी की फोटो है भाई, मेरी कोई नहीं खींचता फोटो. नहीं नहीं, अब आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी. अब पीपल आर लिसनिंग टू यू एंड दे सीइंग यू एंड दैट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ योर ब्यूटीफुल म्यूजिक. एक बात, लाइक आई एम एन इंडी आर्टिस्ट एंड पीपल, लॉट ऑफ न्यू इंडी आर्टिस्ट हैव कम अप इन रीसेंट टाइम्स. कोई उनके लिए कोई सजेशन कि यू नो कि सॉन्ग राइटिंग से रिलेटेड या इंडस्ट्री से रिलेटेड, एनीथिंग दैट यू नीड टू टेल देम? आई वुड लाइक टू से दैट ट्रस्ट योर ओन टेस्ट एंड विजन एंड डोंट ट्राई टू इमिटेट थिंग्स. लाइक कुछ भी ट्रेंडिंग चीज़ें तो होती हैं, बट डू योर ओन थिंग बिकॉज आई थिंक उसमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है. सो आई वुड से स्टिक टू दैट. Absolutely. I truly feel that because बहुत बार ऐसा blockage होता है, ऐसा लगता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या क्या हो रहा है, कैसे कर रहा हूँ. And a true example is Chand Bali. I mean, it took its own time to you know spread, and when it did, it got all the fame. So super ma'am. कुछ आप audience को बोलना चाहेंगे अपनी तरफ से, Aditya? Anything? Thank you so much for giving so much love to my songs. And I request you to go and watch the video and listen to the song Right Wali Payal. And we have made it with a lot of love. And thank you so much. Superb, man. Superb. Aditya, it was so, so great to have you on the show and to have your beautiful, beautiful songs on the show. More than anything. Sabhi se request hai. Right Wali Payal. It's on Sony Internet. Please just type in Right Wali Payal. Apne aap. सर आ जाएंगे सामने वीडियो में. तो प्लीज जाके इनको खूब सारा प्यार बांटिए. और वही नहीं, मैं कहूंगा इनके यस 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 एंड दैट इज यस वन थिंग. जो भी लोग हैं जो कर रहे हैं ये ना, रील्स बनाओ यार, और इसको भी यू नो जस्ट इसको उतना फैलाओ जितना आप कोशिश कर सकते हैं. मेक इट द नेक्स्ट चांद वालियां इफ यू वांट टू. सुपर. बट आदित्य, इट वॉज ग्रेट टू हैव यू ऑन द शो एंड दैट इज़ वाई हैव द शो. इट्स कॉल्ड इंडी नेशन एंड आई थिंक रोपोस इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब एंड इट्स फॉर इंडी आर्टिस्ट लाइक यू.
सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर राइट वाली पायल. आई एम श्योर द ऑडियंस इज गोइंग टू डू द नीडफुल और वो इस गाने को फैला देगी. बट थैंक यू अर्जुन, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. सेम हियर मैन, सेम हियर, एब्सोल्युटली. सो ओके ऑडियंस, आई थिंक दैट वाज इट फ्रॉम आदित्य. आदित्य प्लीज टेक केयर. एंड यस, मैं अभी कुछ पल इनके साथ और बिताऊंगा. बट टेक केयर मैन, लवली टॉकिंग टू यू. बाय बाय मैन. All right, guys, that was Aditya himself and superb show, yaar. Kya gaate hain, bahut hi unda. Maza aaya because I myself is an indie artist. Mujhe pata hai ki, you know, kitna interesting hota hai, kitni jaan lagti hai ek gaane ko banane ke liye. To main kuch der aapke saath aur bataunga aur tab tak aapse phir se ek darkhwast hai ki is show pe aate rahiye. Ye ek Indie Nations beautiful, beautiful show hai created by Roposo. प्लीज़ आते रहिए, ऐसे ही बहुत खूबसूरत इंडी आर्टिस्ट आपको मिलते रहेंगे. और प्लीज़ राइट वाली पायल जाके ज़रूर सुनिए. ऑलराइट, सो ऑलराइट, शो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. मैं आपको कुछ और गाने अपने सुनाता हूँ और आप बताइएगा आपको कैसा लगा. ऑलराइट, सो दिस सॉन्ग इज कॉल्ड रात की कहानी. और थोड़ा सा रात का माहौल हो रहा है, छोटे छोटे तारे आपको पीछे दिख रहे हैं. तो होता है ना, हम रात को अक्सर ये भूल जाते हैं कि रात अकेली नहीं है, रात के खूब सारे हैं दोस्त. ये चांद, ये तारे, ये मीठी सी हवा जो आपके कानों में आके लोरी सुना जाती है. सो दिस सॉन्ग इज कॉल्ड रात की कहानी. और ये रात के बारे में कैसे आती है, कौन इसके दोस्त हैं, बस इसको एक ही चीज का तो डर है कि कहीं फिर से सुबह ना हो जाए. ये रात की कहानी है, चलो सुनो सुना मैं तुम्हें. आरज़ू है इसकी, क्या ये चाहती, क्या बताऊं मैं ये बिन घबराए, ये बिन शर्माए कहे शाम को अलविदा. है चांद से यारी, है तारों का चल, मीठी से इसकी जुबान है. इसको इतना सा ही डर की हो न जाए फिर सहरिया. है इसको इतना सा ही डर की हो न जाए फिर सहरिया. ये रात की कहानी है, चलो सुनो सनम मैं तुम्हें. आरज़ू है इसकी, क्या ये चाहती, क्या बताऊं मैं ये खामोशियों की लोरियां सुनाती है, ये जिंदगी के फलसफे भी बतलाती है. सब बयां ये खट्टे मीठे से पलों को यूं बुलाती है, उनके संग तेरा ख्वाब भी सजाती है. हौले हौले से लेती फिर ये विदा. ये करके इशारे अदब से पुकारे, कहे नींद को आओ भी जा. चांद तारों को भुला करके तेरे ख्वाबों की बने पास पास. है इसको इतना सा ही डर कि हो न जाए फिर सहरिया.
भैंस को इतना सा डर के हो न जाए फिर सरिया ये रात की कहानी है चलो सुनो सुना मैं तुम्हें आरज़ू है इसकी क्या ये चाहती क्या बताऊं मैं बताऊं सुपर आदित्य आदित्य कैसे लग रहा है एक और आदित्य आपके शो में आए थे आज ऑल राइट थैंक यू सो मच एवरीवन ऑल राइट सो टू एंड द शो आई विल जस्ट लाइक टू सिंग दिस लास्ट सॉन्ग इट्स कॉल्ड इट्स जस्ट अ फन सॉन्ग मैन इट्स कोई लिरिक्स वरिक्स पे आपको ध्यान नहीं देना इट्स जस्ट अ हैप्पी हैप्पी सॉन्ग इट्स कॉल्ड आईना तू क्यों और बंदा कह रहा है यार मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ पर तू आ ही नहीं रही सो दैट्स अबाउट इट जस्ट एंजॉय द शो माय नेम इज अर्जुन सिंह एंड प्लीज प्लीज डू द नीडफुल गो ऑन सोशल मीडिया फॉलो मी ऑन रिपोसो स्पॉटिफाई इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह प्लीज प्लीज जाके स्टॉक करो अच्छे से कोई दिक्कत नहीं हियर गोस एंड 1 2 3 4 guys thank you all right so superb thank you Nitin so much and yeah that was all from my side guys please Aditya Sirsa the man himself the chand balia man himself was on our show and please unka jo naya gana hai jo ki abhi 5 din hue use release hue right wali pile aapne uski aaj story suni us gaane ko suna Aditya ko suna please jaake is gaane ko हर जगह पे सुनिए अपने कमेंट्स छोड़िए सब्सक्राइब करिए एंड इस गाने को फैलाओ जितना हो सकते हैं आई एम श्योर आप लोगों को आदित्य बहुत पसंद आए होंगे द शो एंड अगेन रिपोसो थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग शो इंडी आर्टिस्ट
इंडी नेशंस जो है ये शो, उस पर जो इंडी आर्टिस्ट आते हैं, कोशिश यही है कि सब एक एक इंडी आर्टिस्ट हर जगह से वो ढूंढ के आप तक पहुंचा सकें. मेरा नाम है अर्जुन सिंह एंड आई एम अ सिंगर सॉन्ग राइटर, आई एम एन इंडी आर्टिस्ट माई सेल्फ एंड आई एम टेकिंग योर लीव. थैंक यू सो मच, यू गाइज हैव बीन अमेजिंग, एंड ऐसे ही जुड़ते रहिए एंड सी यू टिल द नेक्स्ट लाइव. ऑलराइट गाइज, टेक केयर, बाय बाय. ग्लांस हर पल हैपनिंग.